जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और इसके लिए हमारे शरीर को हमको निरंतर स्वस्थ रखना चाहिए। हम डेली बेहतर न्यूट्रिशन युक्त चीजें भी खाना पसंद करते, लेकिन आज की आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल वाले या तेली चीजें खाते हैं तो अपना पेट भी बढ़ जाता और परिणाम यही होता, 20-25 साल के लड़के भी मोटा पेट लेके घूमते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बेहतरीन पीटी इंस्ट्रक्टर, जिनका आर्मी का 25-30 साल का एक्सपीरियंस है और सिविल में भी बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने अटेंड किया और खुद भी इतने फिटनेस है, ऐसे सर को मैंने आज इनवाइट किया। सर, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर। आप अपने बच्चों को या हमारी ऑडियंस को बताइए कैसे अपने आप को फिट रखें और कैसे उनकी डेली लाइफ रहे और क्या खाए जिससे कि इनकी जीवन शैली बेहतरीन रहे। सर, कम शब्दों में अपना परिचय दीजिए। थैंक यू पवन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ जी सर, कि जो आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। वेलकम सर। मैं आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, लगभग 24 से 25 साल आर्मी में भी सेवा किया जी सर, और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आप सिविल में भी मुझे देख रहे हैं जी सर। आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया और सिलेक्ट भी हुए। मैंने विदाउट फीस किसी से आज तक 2 रुपया मैंने नहीं लिया जी सर, बहुत अच्छी बात। और अपना साइट बिजनेस, वो साइट जॉब भी कर रहा हूँ जी। जॉब के बाद जो टाइम मैंने बचा तो आप देख ही रहे हो, मैं स्टेडियम में जाकर के बच्चों को अटेंड किया। हमारे माध्यम से कुछ बच्चे एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और इंडियन आर्मी में भी काफी बच्चों का चयन हुआ, वो तो आपको मालूम ही है जी। और हम चाहते हैं कि आपके ने आज मुझे इस चैनल पर बुलाया है तो कुछ लड़कों को और हौसला मिले, उन्हें ट्रेनिंग करने की सिखलाई मिले, के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा, कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है, एनीवे जो भी है, यूनिफॉर्म सर्विस में जाने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की एक जरूरत रहती है, एक हाइट चाहिए, वहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज होती है, दौड़ होती है, जंप वगैरह होती है, तो वो कोई एक दिन में पूरा आदमी तैयार नहीं हो सकता, उसके लिए एक लंबी रेस चलती है, टाइम लगता, एक बेहतर ट्रेनर की जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगा, आज के बच्चे जो यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहते हैं, लाइक आर्मी, पुलिस, मेडिकल फोर्स, जो भी है यूनिफॉर्म सर्विस जितनी भी है, फायर एक्स्ट्रा, उसपे में जाने के लिए बच्चा अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करे, आप बताइए। देखो पवन जी, जो बच्चा किस साइड जाना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, तो उस बच्चे का जो कैरियर है वो हमें 8वीं क्लास से और 10वीं क्लास के बीच में पता चल जाता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या कोर्सेज के लिए जाना चाहता है या हमारा प्लेयर बनना चाहता है, वो माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड ज्यादा करता है। आपको लगता है कि मेरा बेटे की हाइट अच्छी है और फिजिकल लगभग वही ठीक है और पढ़ने में मेरा बच्चा लगभग ठीक है और बच्चे की चॉइस है कि मैं इंडियन आर्मी या किसी फोर्सेस में जाना चाहूं, तो उस बच्चे को फिर हमारी समझ से हर चीज छोड़ देना चाहिए और उसको एक नियंत्रण पढ़ाई उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से कि मुझे इंडियन आर्मी के लिए मुझे तैयार करना या नेवी के लिए तैयार करना। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि बच्चे को कुछ न करे स्टार्टिंग में, उसको कुछ फिजिकल के तौर पर नॉर्मल खेलना, नॉर्मल एक्टिविटी शरीर की अच्छी रखना, खान पान पर ध्यान रखना और माँ बाप का काम है उस पर नियंत्रण, नजर रखना कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना जाए और जो हम कार्य कर रहे हैं उसी पर उसका ध्यान है या नहीं, ये चीज तो पेरेंट्स की हो गई, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये सर, जैसे आपने क्लास सेट बोला तो क्लास आठ मतलब ऑलमोस्ट 15-16 साल का लड़का रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म सर्विस में 18-19-20 साल के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपन बहुत सारी यूनिफॉर्म सर्विस को नहीं, एक आर्मी को ही मोटिव करके रखते हैं। हाँ। तो वो 15 साल का बच्चा किस प्रकार की एक्सरसाइज शुरू कर दे तो कि उसके सिलेक्शन में ज्यादा बेहतर है। देखो पवन जी, अब हम हर साइड को हटाते हुए हम आर्मी की तरफ और उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको नियंत्रण सबसे ज्यादा उनको स्कीपिंग, रनिंग और कुछ एक्सरसाइज जो ऐसी होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा
को उनको नियंत्रण रखना चाहिए। कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बच्चे को खान पान पर ध्यान पवन जी देना चाहिए। जब हमारी बॉडी फिटनेस अच्छा नहीं है, खान पान हमारा अच्छा नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। yes. हमको पता है डाइटिंग में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि खाने से ज्यादा बहुत सारी चीज ये भी होती है कि नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो आपके अनुसार क्या बच्चे को खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पवन जी बच्चे को जाना ही है आर्मी में, तो उसको ज्यादा फैट वाला चीज नहीं खाना चाहिए। yes. जैसे तली हुई पूड़ी है, पराठा है, या ज्यादा सब्जी के अंदर तेल जो हमारी महिलाएं डाल देती है, माता है, तो उस तेल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ज्यादा कोशिश हो बच्चे को वो चीज खिलाएं जो कहें जिस चीज में फैट ना। yes. तो जैसे जो आज का आधुनिक फास्ट फूड है उसको बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। देखो पवन जी, मैं कह रहा हूं, मैं जब बचपन देखा था तो हम नेचुरल चीजें खाते थे, आज बच्चे को क्या करते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या पॉलीथिन 5-5, 10 रुपए में आते हैं खिलाते हैं, वो पवन जी सबसे ज्यादा खराब है बच्चे के लिए। मैं बता, फास्ट फूड तो बच्चे के नजदीक जाना ही नहीं चाहिए। आप उसको वो चीज खिलाओ, मैं बता रहा हूँ, गरीबाई है, आप खिला सकते हो। आप बच्चे को सोयाबीन लाओ जो कि हमारे हर जगह मिल जाता है, चना लाओ हर जगह मिल जाता है, आप उसके लिए मूंगफली दाना ले आओ हर जगह मिल जाता है, हल्का बादाम आप किशमिश ले लो और उसी चना के डाल में शाम को भिगा दो और बच्चा सुबह दौड़ के आए, एक्सरसाइज करके आता है तो उसी को उसको खाना चाहिए, और उसके बाद में उसको नहा धो करके प्रैक्टिस करने के बाद उसे रेस्ट की तो उसको रेस्ट करें ताकि उसके फैट ना आए। सर इसका मतलब सर आप तो सर मात्रा से विलन करते दूध दही तो आपके एकदम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दूध माखन ये सब भी खाना क्योंकि फैटीबल है ये, लेकिन न्यूट्रिशन युक्त तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि आप तो दूध से दही से ज्यादा बिलोंग, ये सच है कि मैं दही दूध से ज्यादा बिलोंग करता हूँ, और ये चीज मैं क्लियरली आपको बोलना चाह रहा हूँ, जिसके घर में देसी गाय का दूध होता है। हाँ। और बचपन से बच्चा अगर देसी गाय का दूध पीता है, यस, आप भी जानते हो कि देसी गाय का दूध एक तो पहली बात तो हल्का होता है, उसके अंदर फैट नहीं होती है, तीसरी बात मेन चीज ये होती है उसके अंदर कि दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा। कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा होती है तो बच्चे की हड्डी मजबूती होती है, और दूध हल्का होता है तो डाइजेशन का सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, उसका जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छी रहती है। जब पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो वो आराम से दौड़ भाग और फिजिकल एक्टिविटी जो होगी वो बहुत अच्छी कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डाइटिंग का आपने अच्छे से बताया, इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं, यानी हेल्दी फूड खाइए, न्यूट्रिशन युक्त खाइए, और जो फैटीबल आइटम मत खाइए, यानी एक लाइन में क्या आधुनिक जो फास्ट फूड है इससे बचिए। अब एक्सरसाइज की बात करते सर, तो उसको एक्सरसाइज किस टाइप से करना चाहिए, कितना रनिंग करना चाहिए, कितना जंप करना चाहिए, कितना पुशअप करना चाहिए, इस एक्स्ट्रा जो भी उसके लिए आगे काम। बिल्कुल जी, देखो कुछ लड़के गरीब घर से भी होते हैं, मैंने देखा है अपना बचपन देखा है, कुछ लड़के जिनके माँ बाप के पास पैसा है तो उन्होंने जिम में भेज दिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे जिम में नहीं जा सकते। जी सर, मैं आपको दोनों तरीके से बताना चाहूंगा। गांव-गांव सिटी सिटी में हर जगह जिम खुले हुए हैं, तो जिम में जो एक्सरसाइज होती है, हमें उस जिम की एक्सरसाइज को आर्मी में जाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को ज्यादा उस एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्टली बच्चे को स्कीपिंग करना है, स्कीपिंग करने से स्कीपिंग आसान भाषा में हिंदी भाषा में क्या, जो हम रस्सी लेकर के और जंप करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐसे करके जंप करते हैं, रस्सी जंप करते हैं, उससे हमको कहीं बेनिफिट मिलते हैं बच्चे। तो ग्रामीण इलाके में आराम से बच्चा नॉर्मल ही कर सकता है, उससे कई फायदे होते हैं। जिन बच्चों की कुछ हाइट कम होती है उसकी हाइट इंक्रीज होती है, जिस बच्चे की जंपिंग पावर कम होती है स्पीकिंग करने से जंपिंग पावर बहुत अच्छी। सही सर, आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये 15-16 साल में ही आदमी हाइट बढ़ा सकता है, 21 साल के बाद तो आदमी की हाइट बढ़ती नहीं है, तो हाइट के लिए आप एक दो पॉइंट और ऐड कर दीजिए। हाइट के लिए पहला तो स्कीपिंग से अच्छा पवन जी कोई नहीं है, तीसरा हाइट के लिए अलग से कोई चीज नहीं है, आप खेलेंगे, आप गेम करेंगे, आप फिजिकल वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी छोटी मोटी, ये सोचो कि आपकी 2-3 इंच हाइट बढ़े कभी नहीं बढ़ती किसी की, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में इंक्रीज होती है, अगर आप शरीर की एक्टिविटी या एक्सरसाइज कंटिन्यूस करेंगे वो हर
हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम मोटी मोटी जो बच्चे को एक्सरसाइज की जरूरत है वो कंटिन्यू से आपको बताना चाह रहा हूँ। यस बताइए प्लीज। आप पहले तो स्कीपिंग अपने दिनचर्या में रखें, बच्चे सुने ध्यान से चीज को। दूसरा, जरूरत पड़ती है मुझे आर्मी में खासकर बीम की, जो हम इंग्लिश में हीविंग कहते हैं, बीम लटक करके 10 बीम मुझे लगाना है। उसके लिए मुझे किस मसल की जरूरत पड़ती है, बाजू की जरूरत पड़ती है, जिसकी बाजू में ताकत है तो हम उसको 10 बीम आराम से लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे किसी बच्चे को जिम में नहीं जा सकता है तो वो बच्चा अपने आराम से, जिसको हमारे इंग्लिश भाषा में पुशअप कहते हैं, तो दंड बैठक बोलते हैं देहाती भाषा में, तो वो कंटिन्यूस उसको जारी रखना चाहिए। और दंड बैठक कोई भी बच्चा ऐसे ना लगा, उसका सेट बनाए पब्लिक। कोई लड़का 3 ही लगा सकता है, कोई 4 ही लगा सकता है, कोई 10 लगा सकता है। अगर बच्चा पहली बार 10 दंड बैठक लगा सकता है, 10 पुशअप लगा सकता है, तो वो 10-10 के 3 सेट बनाए। 10 लगा लिया, 10 लगाने के बाद में थोड़ा चंद सेकंड के लिए उसको रिलैक्स करना है, फिर दूसरा सेट लगाना है 10 का ही पुशअप, फिर चंद सेकंड उसको रुकना चाहिए थोड़ा, उसके बाद तुरंत 10 सेकंड के बाद फिर उसको 10 का सेट लगाना चाहिए। तो आपके पुशअप के कितने? 3 सेट। तो आपकी पुशअप के लिए ये बाजू और एंड शोल्डर एक्सरसाइज के लिए बहुत है, इतनी एक्सरसाइज आपके लिए। अब रही आपकी बात, मेन चीज आती है बच्चे कहां फेल होते हैं, रनिंग में। आपने देखा होगा रनिंग तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट है रनिंग में बच्चे फेल होते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें पवन जी ये होती है कि बच्चे को अपने वेट पर कंट्रोल, वेट रहेगा तो थक जाएगा। अब वेट पर अगर आपका कंट्रोल है, वेट पर कंट्रोल वही जो मैंने आपको पीछे खान पीन के ऊपर बताया कि आप तला हुआ आइटम ना खाएं, फैट की कोई चीज ना खाएं, ज्यादातर आप दूध का इस्तेमाल जितना कर सकते हैं, गाय का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जब वजन नहीं बढ़ेगा, अब रनिंग के लिए मेन एक्सरसाइज आपको क्या चाहिए, मेन चीज आपके लिए पेट चाहिए रनिंग। अगर आपका पेट मजबूत है तो आप रनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं जी। पेट के लिए एक्सरसाइज हम आम भाषा में इंग्लिश में उसको सिटअप्स बोलते हैं। सिटअप्स का मतलब होता है लेटना, फिर उठना, बैठना, उठना, बैठना, ये जो हम देहाती भाषा में इसको बोलते हैं वो है, वैसे उसका सही नाम है सिटअप्स। एक बच्चे को आराम से लेट जाना चाहिए, पीछे की तरफ इधर हाथ होना चाहिए गर्दन के पीछे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं पवन जी जो एक सिटअप भी नहीं लगा सकते आज के जमाने, तो उनको सीधे पैर करके एक लड़के को बोले कि हमारे पैरों के पंजे को पकड़ ले और वो अपने हाथ लंबे करे सीधे और उठना बैठना उठना बैठना, वो 10-10 का सेट, 10 कर लिया फिर चंद सेकंड का ब्रेक, 10 कर लिया फिर ब्रेक, 10 कर लिया फिर। अब आ जाता है कुछ बच्चे हैं ऑटोमेटिकली हम 10 लगा सकते हैं, उन बच्चों के लिए क्या करना है, पीछे हाथ यहां यो रखे और लंबे लेट जाए और पैरों को फोल्ड रखे और पैरों के ऊपर किसी लड़के को खड़ा करें, वो भी अपना 10-10 का सेट इसी तरीके से लगा। ये पेट की मजबूती बहुत ही ज्यादा बहुत बढ़िया, ये रनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से बच्चे रखें जितना सेटअप्स लगाएंगे। अगर कोई लड़का ये नहीं बोलना पीटी सर ने 10 ही 10 बताया, 10 नहीं, अगर वो 20 लगा सकता है 20 का सेटअप, पर डे उसको इंक्रीज भी करना, डे बाय डे उसको बढ़ना। सर बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने फिजिकल एक्सरसाइज की बात की है, डाइटिंग की बात आपने करी थी, अब उसका डेली लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए? इसमें एक चीज और छूट रहे पड़ो जी, बताइए सर रनिंग कैसे करना है बच्चों, रनिंग कैसे करना है प्लीज। अब कुछ बच्चे रनिंग देखा होगा कि खड़ी बॉडी से रनिंग कर, कुछ बॉडी जो बच्चे अरे रुक जा यार थोड़ा सा, कुछ बच्चे क्या होते हैं खड़ी बॉडी से रनिंग करते हैं, सीधा सही रखते हैं और क्या करते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं, उसका गर्दन का जो वेट होता है वो पीछे की तरफ जाता है, वो बच्चा कभी रनिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, बच्चे को मैंने बताया था कि जिसकी ये पिंडलियां होती है ना ये मजबूत है और पंजे पर वो जंप कहां बता दिए एक्सरसाइज मैंने आपको जो स्कीपिंग, स्कीपिंग से पंजा भी मजबूत होता है और हमारे पैर की जो पिंडलियां होती हैं मजबूत होती हैं और थाई मसल भी मजबूत,
इनमें भी ताकत है तो रनिंग करने का तरीका यही होता है कि आपका बॉडी वेट आगे की तरफ होना चाहिए, पेट को अंदर खींच के रखना चाहिए, कभी भी मुंह खुला नहीं होना चाहिए और आपका पंजे पर ही रनिंग होना चाहिए, बॉडी वेट आपका आगे होना चाहिए। अगर आपको करने में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप धीरे धीरे उसको अपना मेंटेन करें, उसके बाद बढ़ाएं। रनिंग करते करते मेन चीज ये होती है, रनिंग करते करते बच्चा थक जाता है, वो सोचता है कि सांस नहीं आ रहा। आप रनिंग को कम कर दीजिए, स्पीड को डाउन कर दीजिए, उसके बाद जब आपका सांस बढ़ जाए तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले तो आपको स्पीड बढ़ाना चाहिए। बट आप मुंह कभी ना खोलें, आपने अगर मुंह खोल दिया रनिंग में तो आप कभी पास। थैंक यू सर। उसका डेली लाइफ का रूटीन क्या होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा शॉर्ट में समराइज कीजिए। देखो बेटे कुछ पवन जी मैं आपको एक चीज बताना चाहिए, ये पर डिफरेंट कुछ मदर फादर गार्जियंस की ड्यूटी पर। देखो बच्चे हमारे होते हैं सुबह जल्दी उठते नहीं, आलस करते हैं, बच्चे ही हैं, उनको नहीं मालूम कि मैंने क्या करना। हमें बच्चे को प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच में से उठा देना चाहिए और उसको उठा करके कभी भी चाय नहीं पिलाएं बच्चे जी। अगर बच्चा स्वस्थ है, उसका डाइजेशन सिस्टम है, तो उसको बोलो आप पानी पियो और थोड़ा सा टहलो फेलो और प्रॉपर तरीके से फ्रेश हो। फ्रेश होने के बाद बच्चे का ड्रेस अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कम कीमत का हो। आपका रनिंग शू होना चाहिए और उसका जो मेकर पहनता है वो भी आपका लूज और टी शर्ट सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद में उसके हाथ में एक रुमाल भी होना चाहिए, ये चीज बच्चे को होना चाहिए, माँ बाप का दायित्व बनता है। अब रहा बच्चे का डेली रूटीन में, बच्चा गया जो मैंने एक्सरसाइज रनिंग बताया पहले, तो बच्चे को कम से कम 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर आर्मी वाले को रनिंग पर डे करना ही चाहिए जी। जब उसको सोचता है कि मेरी रनिंग अच्छी हो गई तो अपनी घड़ी ले जाए, घड़ी लगा के सप्ते में 2 बार उसको अपने खुद का ट्रायल लेना चाहिए कि मेरे अंदर कैपेसिटी कहां तक बढ़ी है रनिंग की, ये सब लेता रहना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी कहीं नहीं बढ़ती है तो कोई नजदीकी ट्रेनर है तो उनसे अपनी सलाह ले लें, जैसे पवन जी हैं, इस स्टूडियो से आप जुड़े रहें और ज्यादातर इनके स्टूडियो को लाइक करें तो इनसे आप सलाह ले सकते हैं, तो वो चीज लेना चाहिए बच्चे। आप कमेंट करके बता देना सर का, अपन फिर से भी इंटरव्यू ले ले। तो ये चीज आप उनको बच्चों को पता होना चाहिए मेरे अंदर काबिलियत क्या होगी। अब रनिंग के बाद जब बच्चा एक्सरसाइज जो हमने बताई है 3-3 के सेट बताए हैं वो सब चीज बच्चे को करना चाहिए, आने के बाद बच्चे को आराम से आराम करना चाहिए, बहुत रिलैक्सेशन करना चाहिए। माँ का काम है कि कल जो मैंने सोयाबीन पर गया था या चना भिगाया था, उसमें बादाम डाला था या किशमिश डाली हुई थी, वो हम उसको अच्छे से धुलाई करके शाम को भिगाया है, उसका पानी निकाल के बच्चे, उसके बाद बच्चे को हल्की गुड़ देना चाहिए, गुड़ के साथ वो चीज बच्चा खा ले, ना कि उसे आया पूरी पूरी पराठा या कहीं आपने सोचा कि जा ऊपर जो मलाई वाला दूध या मलाई वाला दही पिलाएं तो वो ये सब चीज करना चाहिए। उसके बाद बच्चे को दोपहर का भोजन दबा के कराए, जब तैयारी करना हो तब की बात नहीं, ये नहीं है कि स्टार्टिंग से करें, जब तैयारी कर रहा है दोपहर का भोजन डाइटिंग उसकी अच्छी कराना चाहिए। बीच में बच्चे को पढ़ना भी है, फिर पढ़ाई अपना टाइम निकाल के बच्चा करे, शाम को फिर एक्सरसाइज करे और रनिंग करे, एक्सरसाइज करे। शाम का खाना बच्चे को हल्का खाना चाहिए और कोई खाना फैट वाला नहीं खाना चाहिए। अगर बच्चा दूध पीता है तो उसमें आप बोरन भी डाल सकते हैं, हॉर्लिक्स, हम तो अपने जमाने में ज्यादातर हॉर्लिक्स पीते थे, मेरे भी पिताजी आर्मी से बिलोंग करते थे, मेरा पूरा परिवार आर्मी में ही है, आज भी सब बेल्ट वाले हैं, तो हम लोग ज्यादातर पिताजी आर्मी में थे तो वो ज्यादातर बोरन पीटा और हॉर्लिक्स वगैरह लाते थे। तो इस तरह अब गरीब लोग हैं ना, कुछ आदि पेरेंट्स ऐसे भी है वो नहीं कर सकते, तो उस बच्चे को बगैर मलाई का आप दूध पिला, ये सब चीज के बारे में। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अहम जानकारी देने के लिए। ये तो हो गया ऐसे बच्चों के लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं। आप एक आम आदमी किस तरह से अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, क्या खाए जिससे उसका मोटापा ना बढ़े। आप देख रहे हैं आज 20-25 साल के बच्चों का ही पेट निकल रहा है, और फिर पेट निकलना अपने आप में एक बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, दुनिया भर की बीमारी, और वो कहीं ना कहीं देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो किस तरह से वो अपने को फिटनेस को बरकरार रखे, क्या खाए, क्या ना खाए, कितनी एक्सरसाइज करे, या थोड़ा बताइए। देखो पवन जी, मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, जैसे कि सर आप भी यार 60 वर्ष के लिखा, 60 होने वाली है, 60 साल होने वाली,
आज भी पवन जी मैं दौड़ सकता हूँ, बीम भी लगा सकता हूँ, तो आप देख रहे बच्चों को भी मैं अटेंड भी करता हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी हम बच्चों को खिलाता हूँ, वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, और ये अपना एथलेटिक में मैं भोपाल से काफी प्राइज भी लाया हूँ, आपको सामने की बात है। तो मैं आपको एक सर पर इतना चाहूंगा, आप इस तरह बताइए जिससे कि इसमें गरीब आदमी भी इस चीज को अफोर्ड कर सके। बिल्कुल, देखो अमन जी, 18 से साल से लेकर के 40 साल तक आम आदमी, बच्चों की बात छोड़ दो, उसके बीच में आदमी को यह इंसान को समझ में नहीं आती मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। यहाँ तक हमारी बॉडी का ब्लड भी बढ़ता रहता है और शरीर में ताकत रहती है, उसको हम छेड़ते रहते हैं, जो कुछ गलतियां होती पवन जी यहाँ होती हैं। आओ सर, तो वो गलतियां पवन जी यहाँ होती हैं, उन गलतियों को दूर अगर आदमी यहाँ पर सेटल होता है 40 साल गलतियां नहीं करता, वो गलतियां मैं बताऊंगा क्या कहता। जैसे कि दबा के कहीं आप हम चले गए कहीं निमंत्रण में या बफर में ही चले गए, ज्यादा रसगुल्ला खाना, दाल डालडा वाली चीज ज्यादा खाना, तेल तली हुई चीजें ज्यादा खाना, दबा के खा लेता, क्यों शरीर में ताकत है, डाइजेशन सिस्टम काम करता है, काम चल जाता है। जब 50 साल से ऊपर आदमी जाता, इंसान जब जाता है, तब वही गलतियां उसको परेशान करती है, बीपी भी होता है, शुगर भी होता है, हार्ट अटैक की बीमारियां करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक ही छोटी सी लफ्जों में बताना चाहता हूँ, खान पान पर शुरू से लेकर शुरू तक ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो आपको जिंदगी में तला हुआ आइटम कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात ये, आपको कोशिश करें आप अंडा मीट वगैरह भी खाते हैं तो उसको लिमिट में ही खाएं। वैसे तो मैं कहता हूँ दारू हमारे लिए तो शरीर के लिए इंसान के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो लोग मीट खाते हैं, मीट खाने से भी हम नहीं कहते कि एनर्जी आती है, वो ऐसे उनकी मर्जी है, जैसे खाना जैसे चॉइस। अब चीज आई हमारे लोगों के लिए कि आप नॉर्मली सुबह ब्रेकफास्ट ज्यादा करें, दोपहर का भोजन भी आप उससे हल्का करें, शाम का भोजन जो जो 50 साल से ऊपर है शाम का भोजन भी हल्का से हल्का करें, जीने के लिए करें, और ज्यादातर आप चलने की कोशिश करें, ज्यादातर आप साइकिलिंग की कोशिश करें, ज्यादातर आप कम खाएं और जल्दी खाएं, कम खाएं जल्दी खाएं, और आप कोई भी चीज खाते हैं वो चीज खाएं और कम खाएं जिससे आपको एनर्जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी आपका कहने का मतलब है पेट को बढ़ने नहीं आता है, ज्यादा तला हुआ आइटम ना खाए, किसी पार्टी में गए तो ऐसा नहीं कि ठूस ठूस से खा ले, या घर में भी अच्छा खाना बना तो ज्यादा ठूस ठूस से खा लिए, मतलब संयमित खाए, और डेली अगर आपकी चेयर वाली जॉब है यानी बैठने वाली जॉब है तो डेली उसको वॉकिंग करना बहुत है, वॉकिंग करना चाहिए, और अगर रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग भी कर, 50 साल से ऊपर रनिंग ज्यादा ना करें, ठीक नहीं, साइकिलिंग करें आप और आप वॉकिंग करें, हल्की वाली कूलिंग डाउन एक्सरसाइज जो हमारी बुक्स में है वो आती है, किसी वीडियो आगे बनाऊंगा तो मैं एक्सरसाइज भी कर करके आपको दिखाऊंगा कि हमें 50 साल से ऊपर कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा ये फैट बढ़ जाता है और पेट की भी देखो मोटाई हो जाती है। आज हमारा देखो ये मोटाई भी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मैं उतना ही भोजन खाता हूँ जितना चाहिए। आपकी जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी ऑडियंस के काम आएगी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अन्य लोगों को भी शेयर करें, और आपके मन में जो भी डाउट आए, आप जो भी जानना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उन्हीं कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न करेंगे उन्हीं प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए मैं सर से दोबारा भी इंटरव्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।